ओके जी, मैं बताएगी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। मैं एडवोकेट गौरी गौतम, आप सभी जम्मू कश्मीर वासियों को जय माता दी। यहाँ उपस्थित मीडिया बंधुओं, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ कि आप मेरी आवाज सरकार तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर का बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, और हमें सरकार से भी बहुत उम्मीदें थी कि जैसे कि बीजेपी सरकार आई है, सेंटर में बीजेपी सरकार है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी उम्मीदें थी कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो चल रहा है ये कम होगा, सबको रोजगार मिलेगा। 2019 में जुडिशियल ऑफिसर्स की पोस्टें निकली, जिसे मुंसिफ बोलते हैं, जूनियर डिवीजन हम लोग जजेस बोलते हैं, और 19 में ही विड्रॉ हो जाती हैं। 2018 में सक्सेसफुली जूनियर डिवीजन जजेस बनते हैं, और 19 में जो बच्चे 18 में रह गए थे उन्हें आस थी कि 19 में वो एज जजेस अब आ जाएंगे, बहुत तैयारी की हुई थी। 5 साल बाद 28 अगस्त को अब पोस्टें निकलती हैं और वो बच्चे इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, दर बदर भटकने शुरू हो जाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के पास कि उन्हें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। अगर मैं बात करूं दिल्ली हाईकोर्ट की भी, देवीना शर्मा वर्सेस हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली, वहां भी वन टाइम एज रिलैक्सेशन दिया गया। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, वहां भी 40 साल 42 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब मैं सरकार से अपील करती हूं कि प्लीज इन बच्चों को इतना मतलब परेशान इसे जूझ रहे हैं, इनके बारे में सोचें। आई अपील टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि ये भटक रहे हैं आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो बीजेपी के, सिर्फ वो बातें कर रहे हैं, लारे लगा रहे हैं, उन्हें कोई वहां से कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो बहुत परेशान हैं, वो जगह जगह भटक रहे हैं, उन्हें एग्जाम में बैठने की अपॉर्चुनिटी जरूर मिलनी चाहिए। अब वो पास हो फिर वो बात की बात है, एटलीस्ट उन्हें बैठने का मौका मिलना चाहिए। और जो समय दिया जा रहा है परीक्षा के लिए वो भी बहुत कम है, कम से कम 90 डेज का पीरियड होता है, वो भी अब बहुत कम दे रहे हैं। एक तो उन्हें बैठने दिया जाना चाहिए, एक जो एक टाइम होता है 90 दिन का वो भी दिया जाना चाहिए, ताकि वो अच्छे से तैयारी करके मतलब 90 डेज में ब्रशअप करें सिलेबस को, एक अच्छे से बैठे उस परीक्षा में। तो मेरा ये निवेदन है, और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई एग्जाम हो भी जाता है जम्मू कश्मीर में तो बाद में आपने देखा है कि क्वाश हो जाता है, यहां तक भी सुनने को मिलता है कि क्या वो पैसे ले लिए खा लिए उसके बाद क्वाशमेंट हो गई, कहां गई मेहनत, कहां गया जस्टिस। न्यायिक अधिकारी बोलते हैं हम लोग जुडिशियल ऑफिसर्स को, न्याय देंगे, न्याय की उम्मीद रखते हैं हम जजेस से, उन बच्चों को, उन एस्पिरेंट्स को, एस्पायरिंग जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जो जम्मू कश्मीर के, उन्हें ही न्याय नहीं मिल रहा, वो भटक रहे हैं दर बदर, इतने फ्रस्ट्रेट है, इतने परेशान है, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सिर्फ बातें हो रही हैं, हो जाएगा कुछ भी नहीं। और मैं बस यही निवेदन करना चाहती हूँ कि उन्हें जस्टिस दिया जाए, उन्हें परीक्षाओं में बैठने का मौका दिया जाए। परीक्षाएं चल रही हैं, ये जूनियर डिवीजन जजेस की मैं बात करी, मुंसिफ जिसे बोलते हैं, उसका एग्जाम 2019 में जो पोस्टें निकली वो उन्होंने विड्रॉ कर ली थी, अब वो ओवर एज हो गए हैं बच्चे। 5 साल बाद फिर से जो पोस्टें निकलती हैं 2023 में 28 अगस्त, अब वो बच्चे 5-6 साल तक तो नहीं बैठे, उनका बीच में तो एग्जाम हुआ नहीं, उनकी तो ओवर एज हो गए, तो उन्हें क्यों रिलैक्सेशन नहीं दिया जाए, इस सवाल का मैं आपसे जवाब मांगती हूँ टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री, पॉलिटिकल लीडर्स, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारी सोसाइटी के लिए, जिन्हें हम खड़ा करते हैं, जो आवाज है, वो क्यों चुप बैठे हैं, सिर्फ बातें नहीं, जस्टिस मिलना चाहिए। तो हम आज मुझे लगा, मेरी अंदर आत्मा ने बोला, मेरी कॉन्शियस ने बोला, नहीं उठो और मुझे बोलना चाहिए। मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, मैं एक समाज सेविका हूँ, एक एडवोकेट हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसे मीडिया के सामने लाना चाहिए, पब्लिक के आगे लाना चाहिए, और आई थिंक हमें जस्टिस मिलना चाहिए, बच्चों को जस्टिस मिलना चाहिए, स्टूडेंट्स को। उन्होंने 10 साल, एक डिकेड हो गया, 18 में ऑफिसर बनना था, कुछ मार्क्स से रह गए, अब लगा अगले साल बन जाएंगे, 6 साल और निकल गए, इससे ज्यादा अन्याय और बताइए क्या हो सकता है। तो मेरी यही अपील है लास्ट में कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए,